दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। एक रुपए का नोट याद है? क्यों नहीं याद होगा, हर किसी के घर में जब कोई फंक्शन होता है तो पापा बैंक से एक रुपए के नोट की गड्डियां लेकर आते हैं। बचपन में देखता था तो बड़ा मन करता था कि इसमें से 4-5 नोट मिल जाए तो मजा आ जाए। वो अलग बात है कि घर वालों ने कभी दिए नहीं। वैसे एक रुपए के नोट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस नोट के 100 साल पूरे हो गए हैं। एक रुपए का नोट भारत में सबसे पहले 30 नवंबर 1917 को लॉन्च हुआ था, जो इंग्लैंड से छपकर आया था। तब नोट वहीं पर छपते थे जहां पर सत्ता का केंद्र होता था। इसे हाथ से बनाए गए सफ़ेद कागज़ पर छापा गया था, जिस पर किंग जॉर्ज फिफ्थ यानी पंचम की फ़ोटो लगी हुई थी। इस नोट पर ब्रिटेन के 3 वित्त सचिव MS गूबे, AC वाटर्स और A डेनिंग के सिग्नेचर थे। ये 25 नोटों के पैकेट बनाकर मार्केट में लॉन्च किए गए थे। इस बात का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन माना जाता है कि एक रुपए का नोट पहले वर्ल्ड वॉर की वजह से छापा गया था। ये 1914 से 1918 तक चला था। 1917 में जब वर्ल्ड वॉर चरम पर था तो उस समय कॉलोनियल अथॉरिटी को हथियार और इसकी जैसी दूसरी चीज़ें बनाने के लिए धातुओं की ज़रूरत होती थी। उस समय इंडिया में जो एक रुपए का सिक्का चलता था उसमें 10.7 ग्राम चांदी होती थी, तो सरकार ने सोचा कि सिक्के ढालने के बजाय नोट छापे जाएँ। 1917 में एक रुपए के सिक्के में 10.7 ग्राम चांदी होती थी। अभी चांदी की कीमत करीब 40,000 रुपये प्रति किलो है, यानी 10 ग्राम चांदी के लिए आपको 400 रुपये देने होंगे। मोटे तौर पर ये मान लीजिए कि साल 1917 में आपको जितना सामान खरीदने के लिए एक रुपया देना होता था, अभी आपको उतने ही सामान के लिए 400 रुपये देने होते हैं। साल 1926 में एक रुपए का नोट पहली बार बंद हुआ था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ऐसा ज़्यादा लागत की वजह से किया जा रहा था, लेकिन 1940 में इनकी छपाई फिर से शुरू हो गई थी, जो साल 1994 तक चली। 1994 में सरकार ने एक बार फिर इन्हें बंद कर दिया, जो करीब 2 दशक तक बंद रहे। 1 जनवरी 2015 से सरकार ने फिर से इनकी छपाई शुरू करवाई थी। एक रुपए के नोटों की छपाई भले 2 बार बंद हुई हो, लेकिन मार्केट में ये हमेशा से लीगल थे। साल 1994 तक एक रुपए के नोट छापने में इंडिगो कलर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 2015 में जब छपाई दोबारा शुरू हुई तो इसमें हरा और गुलाबी रंग भी जोड़ा गया। इंडियन करेंसी के सभी नोट RBI जारी करता है, लेकिन एक रुपए का नोट भारत सरकार जारी करती है। इस पर RBI गवर्नर के नहीं बल्कि वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और बाकी नोटों की तरह इस पर मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ये लाइन नहीं लिखी होती है, और इसीलिए एक रुपए के नोट को लाइबिलिटी माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1917 से 2017 के बीच में 125 अलग अलग तरीकों से एक रुपए के नोट छापे गए। ये जो डिफरेंस है ये नंबर्स, सिग्नेचर और डिज़ाइन को लेकर था। कई बार कुछ खास मौक़ों पर स्पेशल सीरीज़ भी छापी जाती थी, जैसे साल 1969 में गांधी जी की जन्म शताब्दी पर उनकी फ़ोटो के साथ एक रुपए के नोट छापे गए थे। आज़ादी के बाद साल 1949 में भारत सरकार ने एक रुपए के नोट से किंग जॉर्ज पंचम की तस्वीर हटा दी थी और उसकी जगह अशोक लाट लगा दी थी। हालांकि सरकार पहले गांधी जी की तस्वीरों के साथ एक का नोट छापना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भारत सरकार को एक रुपए का नोट जारी करने का अधिकार कॉइनेज एक्ट के तहत है। इस एक्ट में समय समय पर बदलाव होता रहता है। वैसे भी करेंसी से जुड़ा कोई भी मामला हो उसमें RBI और सरकार मिलकर फैसला लेते हैं, और कॉइनेज एक्ट में इन्हीं नोटों से जुड़े हुए नियम बताए गए हैं। नवंबर 1994 में एक रुपए का नोट जारी करना बंद करने के बाद भारत सरकार ने फरवरी 1995 में 2 रुपए की नोट और नवंबर 1995 में 5 रुपए की नोट भी बंद कर दी थी। हालांकि सरकार ने सिक्के ढालना जारी रखा था। एक रुपए के नोट अभी भी कलेक्टर मार्केट में हजारों की कीमत पर बिकते हैं। 2015 से पहले हो रही छपाई के आखिरी साल में कुल 4,40,00,000 नोट छापे गए थे एक रुपए के। जब छपाई बंद हो गई तो RBI ने सरकार से कहा कि इन्हें सिक्कों से बदल देना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये नोट चलन में बने रहे थे। जून 2002 में जो RBI की सालाना रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक मार्च 2002 तक मार्केट में एक रुपए के 308 करोड़ नोट चलन में थे। तो ये थे एक रुपए की नोट के साथ जुड़े कुछ फैक्ट्स। अगर आपकी एक रुपए के नोट के साथ कुछ यादें हैं बचपन की, तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल द ललन टॉप सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।